tuning fork test today we will discuss about it tuning fork tests are used for the assessment of hearing they are used to differentiate between the conductive and sensorineural hearing loss there are different types of tuning fork according to their frequency the most commonly used in the clinical practice is tuning fork of 512 Hz.

ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम स्ट्राइक इस करेंगे इसके बाद इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी तो हम फुट प्लेट जो होगी ट्यूनिंग फॉर की ये फुट प्लेट है इसको हम मास्ट्रॉइड बोन के ऊपर रख देंगे उसके बाद पेशेंट को अगर जब वाइब्रेशन सुनाई देना बंद हो जाएंगी तो फिर हम उस ट्यूनिंग फॉर्क को उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स से टू सेंटीमीटर अवे परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे पैरेलल नहीं परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे उसको तब भी अगर वाइब्रेशन सुनाई दे रही हैं इट मीन्स उसकी एयर कंडक्शन जो है उसकी बोन कंडक्शन से ज़्यादा है तो वो एक नॉर्मल बात हुई नॉर्मल ईयर में एयर कंडक्शन जो है बोन कंडक्शन से ज़्यादा होती है जबकि कंडक्टिव डिफनेस जो होती है उसमें बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है और एयर कंडक्शन कम होती है लेकिन नॉर्मल ईयर में और सेंसोन्यूरल डिफनेस में दोनों में एयर कंडक्शन जो है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगी अब दूसरा टेस्ट है वेबर टेस्ट वेबर टेस्ट में भी ट्यूनिंग फॉर्क को हम स्ट्राइक करेंगे और फिर जब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो हम उसको अपने वर्टेक्स पे प्लेस करेंगे मतलब मिड पॉइंट ऑफ द स्कल जो होता है उस पर प्लेस करेंगे फिर उसको दोनों साइड नॉर्मल जो पर्सन होगा उसको दोनों साइड पे दोनों ईयर्स में जो है साउंड सुनाई देगा लेकिन जो एबनॉर्मल पर्सन होगा जिसके अंदर कंडक्टिव डीफनेस हुई उसको उस साइड पे साउंड ज़्यादा सुनाई देगा जहाँ पे उसका ईयर ख़राब है जबकि सेंसो न्यूरल डीफनेस में पर्सन को उस साइड पे साउंड ज्यादा सुनाई देगा जहां पे उसका ईयर सही है तो जब हमने वर्टेक्स के ऊपर प्लेस किया अगर दोनों साइड में इक्वली साउंड सुनाई दिया हमें दोनों ईयर में तो वो हो गई नॉर्मल जबकि कंडक्टिव डीफनेस में सिर्फ उस जगह पे साउंड सुनाई देगा जहाँ पे ख़राबी है कान में लेकिन जब सेंसोन्यूरल डीफनेस होगी तो वहां पे सही जो कान है वहां पे सुनाई देगा साउंड नाउ थर्ड टेस्ट इज एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट इसके अंदर जो है हम कॉकलिया का फंक्शन चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं पेशेंट की हियरिंग को एग्जामिनर की हियरिंग से जो पेशेंट है और एग्ज़ामिनर है उन दोनों के ट्रैगस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को हम ओक्ल्यूड कर देंगे बंद कर देंगे कैसे हम ट्रैगस को इन्वर्ट की तरफ पुश करेंगे तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स जो है वो ओक्ल्यूड हो जाएगा उसके बाद जो है ट्यूनिंग फोर्क के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके हम ट्यूनिंग फोर्क का फुट प्लेट जो है मास्टरड प्रोसेस पे रख देंगे इन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन उसके बाद जो है नॉर्मल हियरिंग में उस पेशेंट को मतलब एग्जामिनर के साथ साथ ही सुनाई देंगी और कंडक्टिव डीकनेस में भी उसको साउंड पेशेंट का साउंड और एग्जामिनर का साउंड एक ही ड्यूरेशन तक सुनाई देगा लेकिन जो सेंसोन्यूरल डिफनेस हुई जिस पेशेंट में उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होगा मतलब उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा लेकिन फिर भी एग्जामिनर को सुनाई देगा दूसरा जो टेस्ट है वो है सॉबैज टेस्ट सॉबैज टेस्ट के अंदर भी हम बोन कंडक्शन को चेक करते हैं विद एग्जामिनर की पेशेंट की और एग्जामिनर दोनों की कंपेयर करते हैं इसी तरीके से जिस तरह एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हम कर रहे थे मास्टर प्रोसेस के ऊपर हमने ट्यूनिंग फोर्क को प्लेस किया था और ट्रैगर्स को हमने इन्वर्ट पुश किया था ताकि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो क्लूड हो जाए लेकिन सोवेस टेस्ट में जो है वो एक डिफरेंस है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन से है तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सॉब टेस्ट बट देयर इज़ वन डिफरेंस इसमें एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के अंदर जो है कंडक्टिव डीफनेस वाला जो पेशेंट था उसकी एग्जामिनर से सेम थी हियरिंग पर जो टेस्ट के अंदर uh, सॉबज टेस्ट है उसमें कंडक्टिव डीफनेस का जो पेशेंट होगा उसको एग्जामिनर से ज़्यादा उसकी बोन कंडक्शन होगी उसको बहुत दे प्रोलॉन्ग uh, ड्यूरेशन के लिए साउंड सुनाई देगा एज़ कंपेयर टू एग्जामिनर जबकि नॉर्मल पेशेंट में वो इक्वली होगा एग्जामिनर की तरह और न्यूरल डिफरेंस जिस पेशेंट को होगी उसमें उसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एग्जामिनर मतलब उसका उसको कम सुनाई देगा लेकिन एग्जामिनर को सुनाई दे रहा होगा